Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. This is Samrana Abid. Welcome to my YouTube channel. आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई. तो इसमें मैं मेथी डालूंगी, थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी और बहुत ही इजी एंड झटपट तैयार होने वाली है. चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं. जी बिस्मिल्लाह. ये मेरे पास है 2 kg मटन. इसको मैंने धो के तो एक चम्मच विनेगर डाल के इसको धो लिया था अच्छे तरीके से. इसको डाल दिया. और ये मेरे पास है 2 medium अनियन. पहले मैं इनको स्टीम देती हूँ, थोड़ा सा गल जाएगा तो फिर इंशाल्लाह कढ़ाही में भूनते हैं. एंड ये है मेरे पास 2 spoon जिंजर गार्लिक एंड लिटिल बिट ग्रीन चिली का पेस्ट है. एंड ये मेरे पास है 1/2 spoon है सिनमिन, कोरिएंडर 1 spoon, 1/2 spoon है गरम मसाला. ये होल गरम मसाला है. तो क्यूमिन सीड्स अभी मैंने इसमें नहीं डाले, वो भी पहले डाल लूं. जी क्यूमिन सीड्स. एंड इसके साथ ये है स्टार, ये भी गरम मसाले में आता है. ये बड़ी इलायची जो होती है, सिनमिन होल वन, ब्लैक पेपर एंड क्लॉव एंड खानजमा एंड ब्लैक पेपर फॉर 1 spoon. ये होल गर्म मसाले की 1 spoon है. 1 spoon फॉर द सॉल्ट, 4 करी पत्ता, 1.5 spoon है रेड चिली. थोड़ा सा स्पाइसी इस बार कर रही हूँ. आप अपने टेस्ट के मुताबिक सारे मसाले डाल सकते हैं. तो ये मेरे पास है नेशनल का इसका मीट का मसाला. इसको आप कुछ भी डालें तो इसमें आप ये बनाएं तो डाल सकते हैं. ये मीट का है. तो चलें जी इन सब को इसमें मैं ट्रांसफर करती हूँ. ये सब कुछ डाल दिया. तो ये मेरे पास है 1 large एंड 2 इस तरह के टमेटो हैं. ये मैंने इसी तरह इसमें डाल दिए. मैंने उनकी स्टेम जो थी वो मूव कर दी. ऊपर से उनका जो छिलका था वो भी उतार दिया क्योंकि फ्रोजन थे, अभी बड़े अच्छे उनमें हो जाएंगे. तो ये 1 cup मैं पानी का इसमें डालकर तो इसको स्टीम देने लगी हूँ. जब इसकी विसल बज जाएगी, तकरीबन इसको 5 मिनट तक इसकी विसल को बजने दूंगी और इसके बाद इसका मुंह खोलते हैं. इसकी विसल जो है वो बजना स्टार्ट हो चुकी है. 2 मिनट हो गए, 3 मिनट और इसके वेट करते हैं. और साथ में मैं रोटियां भी बना रही हूँ. ये रोटियां भी माशाल्लाह ऑलमोस्ट बन चुकी हैं. ये फुलके माशाल्लाह बहुत खस्ता है, नरम बनी है. ये मैंने 4 किस्म का मिक्स आटा दिया हुआ है. ये मैंने आटा जो है वो ब्लैक चनों का, बेसन इसमें, होल व्हीट एंड मक्की का आटा और थोड़ा सा अलसी को मैंने पीस कर तो ये इसका आटा खुद ही घर में बनाया हुआ है सारा कुछ का. तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और फिर आप इसको खा सकते हैं रोटी का. और बड़ी ज़बरदस्त इसकी रोटियां बनती हैं. टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आता, बल्कि ज़्यादा ये टेस्टी मुझे लगती हैं. जी प्रेशर कुकर से मैंने निकाल कर इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, इस कढ़ाही में डाल दिया. अब इसको भूनते हैं. थोड़ा सा इसमें पानी है, वो भी साथ में ही ड्राई हो जाएगा इंशाल्लाह. तो बिस्मिल्लाह करते हैं. ये मेरे पास है 2 spoon टमेटो जो था उसका पेस्ट का 1 spoon था और प्योरे का 2 spoon, टुगेदर 3 spoon है ये. एंड ये है मेरे पास 3 spoon फॉर योगर्ट. और इसके साथ ही मेरे पास है ये 3 spoon ऑलिव ऑयल के. 2 मैं डाल रही हूँ, 1 रख रही हूँ, फिर देखते हैं अगर ज़रूरत हुई तो. और इसको अब भूनते हैं. और इसके साथ ही मेरे पास ये मेथी है तो इसको भी मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ. ये भी भुन जाएगी फिर इंशाल्लाह. जी ये माशाल्लाह बहुत अच्छा भुन चुका है. मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट तक भुना है तो स्लो फ्लेम पे. तो आप भी इसको स्लो फ्लेम
फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता भुने। अब मैं इसमें डालती हूँ, ये मेरे पास है कोरिएंडर जो मैंने इसको ब्रीक काटा हुआ था, ये वाला, और थोड़ा सा गार्निश के लिए इसके ऊपर मैं जिंजर डाल दूंगी, और ग्रीन चिली भी इसमें मैंने जो थी वो भूनते हुए मैंने इसमें 3 ग्रीन चिली भी ऐड कर दी थी, वो ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो आप इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने मेहमानों को और अपने नेबर्स में दें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को प्लीज़, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये मैं इसके ऊपर गरम मसाला एंड कोरिएंडर थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, सिर्फ हाफ स्पून है। तो ये रेडी है जी, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।